हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फटीग ऑफ मटेरियल्स क्या होता है, फटीग फेलियर क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहां पर देने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने हर एक प्रॉपर्टी को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया है हाई स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फटीग की डेफिनेशन की, जो एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लेवल की डेफिनेशन है और मैं आपको बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इन साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग इफ़ द टोटल एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड द टफनेस देन फ्रैक्चर फेलियर मे अकर इज़ नोन एज फटीग। दोस्तों इसका सिंपली मीनिंग क्या है, जब किसी भी बॉडी पर हम साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग लगाते हैं तो दोस्तों उसके अंदर जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होती है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होने वाली, वो उसमें टफनेस से ज़्यादा हो जाए दोस्तों उसके सरफेस पर फेलियर हमें दिखता है और दोस्तों इसे ही हम फटीग कहते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि साइक्लिक लोडिंग होती क्या है। दोस्तों साइक्लिक लोडिंग ऐसी लोडिंग होती है जो हमारी रिपीटेड लगती रहती है, ठीक है दोस्तों। उस रिपीटेड लोडिंग की वजह से अगर किसी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है वो टफनेस से ज़्यादा हो जाए तो दोस्तों उसकी वजह से जो फेलियर होता है उसे हम फटीग कहते हैं, ठीक है। ये इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। अगर दोस्तों आपने इन दोनों टर्म की डेफिनेशन नहीं देखी है तो आप मेरी सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं, मैंने लिंक आपको दे दिया है। बहुत ही ईजी से ये आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का इसका पॉइंट क्या है दोस्तों, फटीग इनिशिएशन लाइफ अब क्या होती है। ये दोनों जो मैं टर्म बताने वाला हूँ, फटीग इनिशिएशन लाइफ और फटीग प्रोपागेशन लाइफ, दोनों ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही थोड़ी कन्फ्यूजिंग करने वाली टर्म है, लेकिन इसको देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। तो इसकी देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ लोड साइकिल, ये याद रखिए, द नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर टू इनिशिएट क्रैक ऑन द सर्फेस इज नोन एज फटीग इनिशिएशन लाइफ। इसका मतलब क्या है, जब भी दोस्तों हम अपनी बॉडी के ऊपर रिवर्स साइकिलिंग या साइक्लिक लोडिंग लगाते हैं उसकी वजह से जो दोस्तों उसके सरफेस पर क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो पहला क्रैक आ जाता है दोस्तों उसके ऊपर, जितनी साइकिल उस क्रैक को लाने के लिए लगी हैं लोड साइकिल, उसे दोस्तों फटीग इनिशिएशन लाइफ कहते हैं। अब हम बात कर लें तो दोस्तों अगली टर्म की, अगली टर्म क्या है, फटीग प्रोपोगेशन लाइफ। फटीग प्रोपोगेशन दोस्तों क्या है, एडिशनल नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड, दोस्तों एडिशनल नंबर ऑफ लोड साइकिल रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट द सर्फेस क्रैक। प्रोपोगेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो हमारे पास चीज़ है उसको इंक्रीज करना। अब दोस्तों हमारे पास सरफेस पर क्रैक आ गए हैं तो उन सरफेस को क्रैक करने के लिए एडिशनल लोड साइकिल की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उसे दोस्तों फटीग प्रोपोगेशन लाइफ कहते हैं। मान लीजिए कि आपको फटीग इनिशिएशन लाइफ के लिए आपके 10 लोड साइकिल लगे और दोस्तों उन्हें इंक्रीज करने के लिए जो वहाँ पर आ गए थे क्रैक उनको इंक्रीज करने के लिए कितने लगे आपके, 5 लगे, तो दोस्तों ये जो 5 हैं ये दोस्तों हमारे फटीग प्रोपोगेशन लाइफ साइकिल कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फटीग को अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्या है, लोडिंग कंडीशन, क्या आप लोड किस कंडीशन में लगा रहे हैं ये डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, दोस्तों आप कितनी पीरियड बाद उस पर लोडिंग लगा रहे हैं, मतलब आप किस फ्रीक्वेंसी से उसके ऊपर लोडिंग लगा रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा। अगला है दोस्तों कोरोजन, दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारे कोरोजिव सरफेस होते हैं उन पर अगर हम लोडिंग लगानी स्टार्ट करें तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, उनके सरफेस के ऊपर क्रैक आ जाते हैं। अगला क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दोस्तों करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारी बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होती हैं वहाँ पर दोस्तों आपने क्या देखा होगा, दोस्तों क्रैक्स आ जाती हैं किसी भी जो भी हमारी ऑब्जेक्ट होता है। अब बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो दोस्तों जब भी क्रैक आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना और बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होना टेम्परेचर दोनों ही क्रैक लाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो भी दोस्तों हमारे पास बॉडी है वो जितना ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट करेगी उसके अंदर उतने ही कम क्या आएंगे, क्रैक आएंगे। ये सारे दोस्तों वो फैक्टर थे जो हमारे फटीग को इफेक्ट करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको दोस्तों किसी भी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो।